गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी है सुबह के 11 बजे, तो अभी मॉर्निंग ही है। तो मेरा ना हम लोगों का नाश्ता हो चुका है, और आज मेरे हस्बैंड है नहीं, वो रांची गए हैं किसी काम से। तो आज मैं बिल्कुल भी फ्री तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ मतलब उतनी बिजी नहीं हूँ। तो आज हम लोग यहाँ मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता तो हम लोग का सुबह ही हो चुका था, क्योंकि उनको जाना था जल्दी। मैं उठ के नाश्ता वास्ता बना उना के नहा वाली, सफाई भी मेरा हो गया, झाड़ू पोछे का काम। तो आज मैं यहाँ लंच से स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। तो हम लोगों का अब यहाँ लंच की मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ किचन में बैठी हूँ, तो मैं आपको घड़ी तो दिखा नहीं सकती। बैंगन था तो मैं सोची आलू बैंगन का सब्जी और चावल बना लेती हूँ, क्योंकि भात सब्जी तो मुझे खाए बहुत दिन हो गया है, और मुझे भात सब्जी ही ज़्यादातर पसंद है। मैं मतलब दाल बनता भी है तो मैं उसे नहीं लेती हूँ, और मुझे भात सब्जी कुछ ज़्यादा ही प्यारा है। लेकिन बच्चों के चलते मुझे ये भी बनानी पड़ती है दाल, क्योंकि बच्चे तो बिना दाल के नहीं खाएंगे। और हम लोग आलू छील के ही बनाते, मैं आलू छील के बनाती हूँ, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो मेरी माँ आलू छील के ही बनाती थी, इसलिए मैं भी आलू छील के ही बनाती हूँ। और ये मैं बैठ के ही सब्जी को काटती हूँ, क्योंकि मुझे आराम लगता है, और चक्कू से मेरा उतना फिनिशिंग नहीं हो पाता है, मतलब कुछ अच्छा से नहीं कट पाता, तिरछा कट जाता है। इसलिए मैं जैसे प्याज व्याज काट लेती हूँ चाकू से, लेकिन ये सब मैं बैठी या फसूल जो बोलिए उसी से मैं काटती हूँ। और यहाँ मैं किचन में ही बैठ के सब्जी काटती हूँ, क्योंकि वहाँ तो हॉल हो जाएगा तो फिर कोई आते हैं तो देख के अच्छा नहीं लगता है। तो मैं किचन में ही बैठ के नीचे सारा काम करती हूँ। और मेरा एक कंप्लेन है आप लोग से, आप लोग मेरे वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग फुल वॉच कीजिए। और जो मेरी चैनल पे या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं मेरी दोस्त लोग से भी मिलाने वाली हूँ आप लोगों को, और हम लोग कहीं कहीं जाते हैं। मेरे सारे वीडियो आप लोग देखिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, एंटरटेनमेंट होगी आप लोगों की। तो अभी मैं सब्जी काट ली हूँ, और इसके बाद मुझे फिर मसाला रेडी करना है, तो मैं सब्जी काट रही हूँ। और बच्चों को तो आलू ज़्यादा पसंद है, तो बैंगन में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा आलू डालना पड़ता है, लेकिन मैं तो सभी सब्जियाँ खाती हूँ, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कम है कि ज़्यादा। और सब्जी खाने से एक फ़ायदा है कि हम लोग ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। बच्चों को भी सिखाती हूँ, लेकिन बच्चे अब उनको तो आलू ही ज़्यादा पसंद है, तो वो आलू ही ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरा बड़ा वाला बेटा मुझे देख के सब्जी ही ज़्यादा, वो भी ज़्यादा खाता है, लेकिन छोटा वाला मेरा बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाता। उसे मीठा चीज़ बहुत पसंद है, जैसे दूध रोटी हुआ या कोई चीज़ की चटनी से ही वो खाना खोजता है। और मुझे यहाँ लग रहा था कि सब्जी में आलू कुछ कम है, तो वही मैं फिर से एक छोटा सा आलू लेके छिलने लगी। जब मैं काम करने लगती हूँ तो मुझे कुछ काम टाइम का पता ही नहीं चलता, और बस मैं करते जाती हूँ और बस। और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि काम करते करते मेरा दिन कब बीत जाता है पता नहीं चलता। और आज मैं बिल्कुल भी इसलिए फ्री हूँ, क्योंकि आज मेरा ट्यूशन भी नहीं है, आज मंडे है, तो मैं छुट्टी दे दी हूँ बच्चों के ट्यूशन का। ये मेरा सब्जी कट चुका है, तो मैं आलू को धो दे रही हूँ। बैंगन में मैं नमक डाल के रखी थी, तो उसके बाद जब मैं बैंगन बाद में धोऊंगी। और ये मेरा देखिए वॉश बेसिन में कितना सारा बर्तन है, क्योंकि ये सारा नाश्ता का बर्तन है, सभी ने नाश्ता कर लिया और बर्तन मेरे जिम में है, तो मैं बर्तन धो रही हूँ। घर में तो कोई है भी नहीं, और ये फुल बाही का सूट पहनने से ये है कि थोड़ा सा कपड़ा भीग जाता है, लेकिन फिर मैं इसे चेंज कर दूँगी, क्योंकि भीग जाएगा तो भीगा हुआ चीज़ पहनने में तो ठीक नहीं है। और ये मैं नाश्ते के बर्तन को फटाफट धो रही हूँ, ज़्यादा नहीं था फिर भी, जो भी था मुझे ही धोना है। और ये बगल में जो आप साबुन देख रहे हैं ब्लू वाला, वो मैं दूध का छन्नी धोती हूँ उससे, और हरा वाला मैं एक एक्स्ट्रा रखती हूँ कि उसको कढ़ाई में अगर रगड़ती हूँ तो कढ़ाई का कालापन थोड़ा सा निकलता है उससे, तो वो सूखा साबुन मैं बगल में इसलिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जो मकान मालिक थे उन्होंने कोई जगह नहीं बनाया साबुन, मतलब ये सब विम बार सब रखने का, तो बगल में ही रखेंगे। अगर यहाँ वहाँ रखेंगे तो उसमें पानी से पूरा पिघलने लगता है, गीला हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं वहाँ रखती हूँ। फिर साफ़ सफाई तो खैर करना ही पड़ती है, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और वो जो स्टील का जाली दिख रहा है उससे, जैसे कोई बर्तन ज़्यादा ये हो गया है दूध दूध का, तो उससे मैं दूध का बर्तन धो देती हूँ और फिर उसे धो करके रख देती हूँ, तो इसीलिए हम लोग को बगल में ही रखना पड़ता है।
और ये मैं डेक्ची या जो भी लिए उसमें पानी ले रही हूँ, क्योंकि आज मुझे कुछ कपड़े धोने हैं, तो कपड़ा धोना है, तो मैं चादर जो फट गया था वो सब तो गर्म पानी में ही धोती हूँ। गर्म पानी में तुरंत मैल काट देता है, इसलिए मैं गर्म पानी में धोती हूँ, क्योंकि जल खुल जाता जल्दी। और फिर मुझे याद है कि आज धूप भी हो गई है, तो चलिए कपड़े को फैला देती हूँ। ये कपड़ा मैंने कल का ही था, उठा दी थी मैं, तो मैं उसे फिर फैलाने आ गई। और आज का मौसम अच्छा ही है, और ज़्यादा कपड़ा तो है नहीं, अभी तो धोऊंगी मैं कपड़ा, कल का तो सूख गया था, इसलिए मैं बालकनी में कपड़ा डालती हूँ। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है, इस बालकनी से मुझे इजी लगता है सब काम करना, तो मैं बालकनी में मेरे ही कपड़ा था, तो फिर मैं कपड़ा डालने आ गई बालकनी। और ये सूखा सूखा कल का है, थोड़ा सा उस बालकनी में था, तो उसमें उस बालकनी में जो दूसरी बालकनी है उसमें धूप लेट से आती है और इसमें जल्दी आती है, क्योंकि सामने पूरा खुला हुआ है, तो मैं यहाँ ज़्यादा कपड़ा डालती हूँ। और ये मैं वो पानी मेरा गर्म हो गया, तो मैं उससे सोची कि फुला देती हूँ कपड़ा को, तो वही मैं कपड़ा फुलाने आ गई थी। किचन में ही मैं ये सब काम करती हूँ, क्योंकि किचन ही एक जगह है हम लोगों का, बेडरूम में तो करूँगी नहीं, हॉल में तो करूँगी नहीं, तो यहाँ किचन में ही दरवाजे के पास मैं करती हूँ। पानी कुछ ज़्यादा ही मेरा गर्म हो गया था, और ये मैं रूम में टेबल पे सेंटर टेबल पे कपड़ा रखी थी, मैं जमा कर दी थी, तो वही मैं धोने के लिए फुला रही हूँ। ये फटा वाला चादर है, तो ये चादर फट भले गया लेकिन बहुत काम का है। और ये मेरे बेटा का हाफ पैंट भी फट चुका है, लेकिन देखिए कोई भी पुराना कपड़ा है, चाहे फटा हो चाहे जो भी हो, उसे आप साफ़ कर दीजिए तो देखिए कोई ना कोई काम आ ही जाएगा, जैसे गाड़ी पोछने का या पलंग उलंग पोछने का, बहुत सारा काम आता है, चाहे किचन में भी कितने तरह का काम होता है। तो मैं सबको धो के रख दूँगी, कभी ना कभी तो काम आता ही है पुराना कपड़ा फटा हुआ कोई सा भी, और मैं इसे आधा घंटा एक घंटा छोड़ दूँगी, उसके बाद ही मैं सफ़ाई करूँगी इसकी। और ये देखिए मैं यहाँ सफाई करने आ गई बालकनी में, वो बेसिन वाश बेसिन से मैं यहाँ लगा दी इसमें बाल्टी में नल, सॉरी पाइप, और ये मैं सफाई करने लगी। मैं साबुन भी ले आई, क्योंकि ये तौलिया वगैरह भी है ना, जो गर्म पानी में धोने से जल्दी उसमें तो और जर्म्स रहते हैं, तो मैं सब गर्म पानी में ही धोती हूँ बाहर साइड से बालकनी में। और ये बोरा भी जो था वो गंदा हो गया था, तो मैं इसे धो के वो प्लास्टिक का तो मैं रख देती हूँ। और मैं फिर कपड़ा धोने लगी, कपड़ा तो ज़्यादा नहीं था, देखिए फटा हुआ चादर, सबको धो दूँगी तो कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा। और बार बार पानी का छिटका मेरे कपड़े पे पड़ रहा था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, नहीं तो मैं नहाने के पहले ही धोती हूँ, लेकिन अब ये रह गया था तो क्या करें, आज इनको जाना भी था। और बारिश आने का जैसा लग रहा है, लेकिन अभी बारिश हुई नहीं है पूरी तरह। और ये मेरे बेटे का पैजामा है, यहाँ वो शाम को खेलने जाता है, तो उसे भी मैं धो दे रही थी। और फुला देने के बाद तो ज़्यादा मैल रहते नहीं है, थोड़ा सा साबुन लगाइए, ब्रश मारना है तो मारिए, क्योंकि मैं मशीन में धोती नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ज़्यादा हेडेक नहीं लगता। मुझे सब काम करना अपने ही अच्छा लगता है ना, मुझे किसी का काम भी पसंद नहीं, मैं खुद काम अपना करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं करूँगी तो शायद मेरा हेल्थ भी कुछ कम हो जाए और मेरा शरीर भी फ्री रहे, इसलिए मैं सारा काम अपने ही करना चाहती हूँ। मैं बार बार कैमरे के साइड इसलिए देख रही थी कि कहीं वो मुझे पता नहीं, मुझे इतना उजाला था कि दिखाई नहीं देता कि वो मुझे पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि बंद हो गया, इसलिए मैं बार बार कैमरे को ही देख रही थी। और छोटे बाल्टी में मैं कपड़ा ज़्यादातर खंगालती हूँ पिंक वाले में, क्योंकि वो मैंने मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ही खरीदी है, उसमें मुझे कपड़े खंगालने में ज़्यादा आराम लगता है। और ये तकिया का कवर था वो भी गंदा हो गया था, जो जब भी मैं धोती हूँ तो कोई खोजते रहती हूँ कहाँ है गंदा कपड़ा, उतना तो मिल नहीं पाता लेकिन मिल ही जाता है खोजने से। और ये बाल्टी भी मेरी भर चुकी है, बड़े बाल्टी से मैं कपड़ा नहीं खंगालती हूँ, मुझे थोड़ा दिक्कत होता है, छोटा वाला में सारा छोटा छोटा कपड़ा मैं उसी में खंगालती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का एक शर्ट था, वो भी मतलब गंदा ही हो गया था, तो मैं धो रही थी तो सोची चलिए इसको भी धो देते हैं, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ तो जल्दी मैं धो नहीं पाती, धोती हूँ कभी कभार,
और ये बाल्टी पाइप भी फूट गया था, सो पानी बार बार चू रहा था, तो वही मैं देखने गई और नल को ऑन करने गई थी, स्टार्ट कर दी कि पानी आए, और ये बाही बार बार लटक जा रहा था, तो मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि भीग जा रही थी, और मेरे कपड़ा धुआ चुका है तो मैं इसे यहाँ खंगाल रही हूँ। मैं यही छोटे वाले बाल्टी में ही खंगालती हूँ, मुझे आराम लगता है क्योंकि छोटा है तो पानी भी जल्दी इसमें भर लेती हूँ और जल्दी जल्दी हो जाता है। तो आप लोग अपना प्यार मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिए, और मैं इसी तरह वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूँगी क्लीनिंग की, और मुझे ब्लू स्कार्फ में भी करना ही है। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बाय। Thank you.